तो जैसा कि आप बड़े बड़े उद्योगपतियों के जो साइन हैं उन्हें देखकर उनका स्वभाव और उनके जीवन के बारे में बता रहे हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को थोड़ा मेरे साइन से रिलेट करके जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं यहाँ पर साइन करूंगी और फिर आप थोड़ा मेरे बारे में बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप ये लीजिए और अपना साइन बनाइए। देखिए ये ऋषभा जी, आपने अपना साइन किया, आपने पहले एक लाइन खींची, एक स्टैंडिंग लाइन खींची, फिर उसको आर से कवर किया जी। ठीक है, आपका पेन बार बार उठा है। अब हम हमेशा बोल चुके हैं, अभी भी दर्शकों को बता दें जो हमारे दर्शक आज जुड़े हैं हमसे, सिग्नेचर में पेन का बार बार उठना ये शनि का प्रेरक होता है, यानी कि हम कहीं ना कहीं शनि से जुड़ जाते हैं, क्योंकि शनि क्या है, रुकावट है, शनि हर चीज़ को रोक करके चलेगा आगे। तो शनि का मतलब ये नहीं कि खराब है शनि, नरेंद्र मोदी जी का भी जो सिग्नेचर है वो भी शनि वाला है, लेकिन देखिए प्रधानमंत्री बने, तो ये जो सिग्नेचर है शनि से रूल कर रहा है, साथ में राहु से रूल कर रहा है, इसके अलावा मंगल, तो इनके सिग्नेचर में तीन सिंबल ऐसे हैं राहु, शनि और मंगल का। और मुझे उम्मीद है कि आपके सिग्नेचर, आप अगर कुंडली जानती होंगी अपने बारे में, तो आपके ये तीन ग्रह बड़े स्ट्रांग होंगे, उसमें राहु शनि और मंगल आपका कुंडली में अच्छी जगह बैठा होगा। इस अब आपको एक बात और बताते हैं कि ऐसा व्यक्ति जब भी साइन करेगा तो वो दूरदर्शी होगा, मेहनती होगा, कर्मठी होगा, पंचुअल होगा, अपने काम को करेगा, बड़ी मेहनत से करेगा, और काम को पूरा करने के बाद वो नए काम की तलाश में लग जाएगा, यानी कि हर काम को पूरा करेगा और फिर उसको इच्छा यहीं ख़त्म नहीं होगी, फिर और दूसरा कौन सा काम है वो जल्दी जल्दी करेगा, मेहनती होता। अब बात आती है उसमें एक जो मुझे फिजिकल इश्यूज लग रहा है वो है आपका कमर दर्द इस सिग्नेचर में, तो आपको कमर दर्द की शिकायत हो सकती है, स्पाइंस की दिक्कत, थोड़ा सा गर्दन के पास आपको ऋषभा जी इस सिग्नेचर में यहाँ पर बनेगा इस सिग्नेचर में। बचपन में कभी आपको चोट भी लगी होगी माथे पे, सर के ऊपर, गले के ऊपर, इस सिग्नेचर में जो दिखता है व्यक्ति, आप बहुत मेहनती तो धन भी कमाएंगे, खूब धन होगा, जीवन भर काम करेंगे, लंबी आयु का सिग्नेचर है ऋषभा जी का, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी लंबी आयु है और स्वस्थ रहेंगी, जो भी स्पाइंस से जुड़ी हुई दिक्कत आपको भविष्य में रहेगी तो वो हम सिग्नेचर में आपका जब बनाएंगे तो उसमें हम रेमेडी देंगे, ठीक करेंगे, और आप देखेंगे कि बहुत जल्दी जब भी जब हम दोबारा कभी मिलेंगे तो आप खुद कहेंगी कि हाँ काफ़ी अब आराम मिला है। तो ये सिग्नेचर आपका है, बहुत अच्छा सिग्नेचर है, और बस इसमें जो कमी है वो थोड़ा सा शारीरिक दर्द की है, वो ठीक हो जाएगा, बाकी बहुत मेहनती, बहुत ईमानदार, बहुत कर्मठी और अच्छी फैमिली लाइफ को जीने वाली और ख्याति वाला सिग्नेचर है, क्योंकि जो आर्क जिस फॉर्मेट में लिखा गया है ये पॉपुलैरिटी दिलाता है, नाम कमाता है और साथ में फैमिली के साथ जुड़ करके भी चलेंगे, तो ये एक अच्छा सिग्नेचर है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, अपने बारे में मैंने बहुत कुछ जाना, तो इस एपिसोड में इतना ही, अब आपसे मुलाकात करेंगे अगले एपिसोड में, फिलहाल के लिए इतना ही और आप देखते रहिए इंडिया टीवी।